तो श्री कृष्ण कहते हैं जहां पर तुम्हारा द्वेष हो जाता है वहां तुमको अवगुण ही अवगुण दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए जिस सासू को जिस बहू से नफरत हो जाती है तो बहू कितने अच्छे बर्तन धोए फिर भी सासू कहती है इसमें अभी जूठन लगी हुई है। और जिस बहू से मोह हो जाता है वो बहू बर्तन न धोए तो सासू कहती है तू बैठ मैं धो दूंगी तू चिंता मत कर, और फिर भी कहती ये बहू मेरी बहुत अच्छी है। और ये भेदभाव का व्यवहार देख करके एक बहू दुख में डूब जाती है, दूसरी बहू अहंकार से भर जाती है। याद रखना रोटी खाने के लिए कोई बहू तुम्हारे घर में नहीं आई है। रोटी तो उसको मायके में भी मिलती थी, कपड़े भी मिलते थे, स्वतंत्रता भी मिलती थी, आज़ादी भी मिलती थी। सासू के प्रेम की भूख भी बहू के अंदर है। पति का प्रेम चाहिए, देवरानी जेठानी का प्रेम चाहिए। आज घर घर में दुख इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि घर घर में प्रेम घट रहा है, एक दूसरे के प्रति प्रेम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सामान से प्रेम बढ़ रहा है कि हमें यह सामान चाहिए, सामान ना मिले तो एक दूसरे के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। कितनी स्त्रियां अगर उनको सोने का हार ना मिले, गले में सोने का हार पहनने को ना मिले तो पति का गला दबा देगी कि सांस नहीं लेने दूंगी, किस मॉडल का पति है। लेकिन नहीं, बुद्धिमान पत्नी बनो, समझदार पत्नी बनो। तुम्हारा आभूषण सोना चांदी नहीं है, तुम्हारा आभूषण कुंडल, नाक का फूल, गले का हार, कमर की करधनी, पांव की पायल, नथुनी बिछिया नहीं है, अंगूठी नहीं है। नारी का आभूषण यदि कुछ है, पतिव्रता धर्म ये नारी का आभूषण है। कोयल का आभूषण उसका मीठा स्वर है, कोयल की सुंदरता उसके शरीर में नहीं है हरिराम पटेल, कोयल की सुंदरता उसके मीठे स्वर में है। अभी मैं आ रहा था व्यास गादी पर तो महिलाएं अपनी जीभ हिला करके मुंह में कुछ बाजा बजा रही थी, हो कर रही थी, एक बार करके दिखा दो। अभी हो करती भी हैं पर मेरे सामने शर्माती भी शर्माती इसलिए है कि गुरुदेव पता नहीं इसकी व्याख्या क्या कर दे, पर मैं कोई व्याख्या नहीं करूंगा। अब ये मीठा स्वर, इनके मुंह से बजने वाला म्यूजिक, इसमें ना तो कैसियो की जरूरत, ना बेंजो की, ना मजीरा की, ना ढोल की। थोड़ा सा मुंह खोलती हैं, जीभ हिलाती हैं और न जाने क्या आवाज़ करती हैं, और सभी महिलाएं इसमें ट्रेंड हैं। और यदि ये पुरुष लोग करें तो इनके मुंह से ऐसा आवाज़ भी नहीं निकलेगी। लेकिन ये भाग्यशाली है, जब इनको सुनना हो तो अपने बेड पर भी ये म्यूजिक सुन लेते हैं। हो पर ये घर में बहुत कम सुनाती हैं। हो ये तो यहाँ सुना दिया, ये घर में तो दूसरा म्यूजिक चलता है इनका, उस म्यूजिक से तो हर पति बेहोश पड़ा हुआ। कोकिला नाम सुर रूपम, कोयल का सुंदर रूप यदि कुछ है तो उसका मीठा सुर ही सुंदरता उसकी है। इसलिए आपका शरीर यदि सुंदर ना हो, गोरा ना हो, उसकी बनावट सुंदर ना हो तो चिंता की बात नहीं है।
क्योंकि सुंदरता केवल शरीर से नहीं होती है। आपकी वाणी यदि स्वीट वाणी है, मीठा स्वर है, मधुर बोलने की कला है, मृदु वाणी है, ये मृदु वाणी आपकी सुंदरता को बढ़ा, आपके जीवन की सुंदरता को बढ़ा देता है। आपका स्वभाव यदि सुंदर है, देखिए स्वभाव, राम का शरीर तो सांवला था, काला था, लेकिन स्वभाव बहुत सुंदर था। लक्ष्मण का शरीर गोरा था, लेकिन स्वभाव थोड़ा सा ज्यादा कड़क था। सीता जी की सखियों ने सीता जी से पूछा कि लक्ष्मण देखने में सुंदर लगते हैं, तो लक्ष्मण के साथ क्यों नहीं शादी तुमने किया? तो सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण रंग में गोरे हैं, बाकी अंदर से बहुत कोरे हैं, कुछ है नहीं जाता। और हमारे राम रंग में तो काले हैं, लेकिन बहुत बड़े दिल वाले हैं, हमको निभा लेंगे। और जिसका पति काले रंग का हो, जिसकी पत्नी काले रंग की हो, वो ज़्यादा निश्चिंत रहता है। कहीं भी पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, सुरक्षित वापस आ जाएगी शाम तक, ज़्यादा खतरा नहीं। और जिसका पति ज़्यादा चिकना चुपड़ा है, सब जगह खतरा ही खतरा है। जो साधु काला कलूटा हो, बदसूरत भूत प्रेत जैसा मुंह हो, वो साधु को बहुत कम खतरा है। कहीं घूमे लोट कमंडल लेकर, खोपड़ी खोल कर, कोई बात नहीं। लेकिन जो साधु थोड़ा देखने में सुंदर है, उसको बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि ये वाह सुंदरता भी अज्ञानियों को बहुत आकर्षित करती है। ज्ञानी तो आपके चरित्र की सुंदरता से आकर्षित होता है, आपके स्वभाव की सुंदरता में आकर्षित होता है। ज्ञानी आपकी वाणी की सुंदरता में आकर्षित होता है, ज्ञानी आपके कर्मों की सुंदरता में आकर्षित होता है, और ज्ञानी आपके विचारों की सुंदरता में आकर्षित होता है। याद रखना, ज्ञानी तुम्हारे गुणों में आकर्षित होता है, ज्ञानी किसी चमड़े में आकर्षित नहीं होता है। आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे परम स्नेही आप सबके जाने माने प्रेमी श्री संपत राम अग्रवाल जी पधार चुके हैं, ताली बजाकर अभिनंदन करें। खड़े हो जाए, मुस्करा भी दिया, मुस्कराओ, मुस्कराओ, दांत दिखाओ, बैठो। नगर पालिका अध्यक्ष साहू जी वो भी पधारे हुए। क्या नाम है साहू? श्री नरेंद्र साहू, रजेंद्र साहू है, गजेंद्र, गजेंद्र, क्या नाम है, गजेंद्र। वाह, बड़ा सुंदर स्वभाव है गजेंद्र का भी। आज मेरा कार्यक्रम पधरौनी के रूप में, चरण पूजा के रूप में, नीलांचल सेवा समिति के संरक्षक श्री संपत राम अग्रवाल जी के घर था। बहुत से संत गए थे, बहुत से भक्त भी गए थे, सभी का उन्होंने सम्मान किया, सबको माला पहनाया, सभी संतों को गरम साल दिया। मेरे लिए गजेंद्र साहू नगरपालिका अध्यक्ष ने और संपत राम अग्रवाल जी ने वस्त्र दान दिया, एक बैग दान दिया, कंबल दान दिया और दक्षिणा भी दिया, और उज्जैन आश्रम के लिए भूमि दान के लिए 21,000 रुपये भी प्रदान किया है।
और जो संत हमारे नहीं पहुँचे थे उनके लिए भी शाल दिया और उनको भी दक्षिणा दिया कि यहाँ नहीं आए हैं उधर भोजन भंडारा बना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी हम दे देंगे, दे दिया। बस सही, एक बार ताली बजा दो उनके लिए। गुणों की सुंदरता आपको ऊंचा स्थान दिलाती है और गुणवान व्यक्ति ऐसे है जैसे शकर में मिठास का गुण है। शकर कभी किसी चींटी को निमंत्रण नहीं देती है कि तुम मेरे पास आओ और तुम मुझको चाटो, कभी नहीं कहती है। लेकिन शकर की सुगंध को पाकर के चींटी और चेटा सब चुपके से चले आते हैं और शकर को चाटते रहते हैं। लेकिन उन्हीं चींटियों को उठा करके तुम नमक के पास रख दो तो वहां से वे मुड़ करके वापस चले जाते हैं। शकर और नमक का रंग तो एक ही है, आदमी आदमी का रूप रंग तो सब लगभग एक जैसा ही है, लेकिन उसके गुणों में अंतर है। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा तो कोई कंकर, आदमी आदमी में अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। अकबर बादशाह एक बार अपनी सभा में बैठे हुए थे, वहां कोई एक अंधा गायक भजन गा रहा था। दाऊ जी उड़ीसा वाले, ललित दाऊ, ये उड़ीसा से आए हैं, मेरा प्रोग्राम करा चुके हैं, पति पत्नी दोनों आए। ललित दाऊ नाम है, मुस्कराइए दाऊ जी। बस देखो कितने बालक की तरह, जैसे बच्चे से कहो ना मुस्कराओ तो मुस्करा देता है, ऐसे गुरु के पास तो बालक भाव से ही आना चाहिए। बैठिए। तो यहाँ बड़ी दूर दूर से श्रोता आए हुए हैं, बिहार से भी आए हैं, बेगूसराय जिले से, बेगूसराय के श्रोता बिहार के खड़े हो जाए कहीं हूँ अगर, देखो पीछे खड़े हो, आज गुरुमंत्र भी लिया है खड़े। मध्य प्रदेश राजगढ़ से श्रोता आए हुए, राजगढ़ वाले खड़े, मध्य प्रदेश राजगढ़, देखो दोनों राजगढ़ जिले से आए हैं, जहाँ से मैं राजगढ़ जिले में कई प्रवचन किया हूँ, माचलपुर में किया, खिलचीपुर में किया और ब्यावरा में दो बार किया। ब्यावरा के सत्संग में 40,000 श्रोता थे, मध्य प्रदेश के श्रोताओं का समागम देखो तो आप कहोगे गजब है लोग। इसलिए मध्य प्रदेश में आश्रम उज्जैन में बनने जा रहा है। मैंने एक भक्त से कहा, ईश्वर पाटीदार से, तराना वालों से, कि उज्जैन के आश्रम में कार्यक्रम होगा तो 10,000-20,000 लोग तो आएंगे। बोले 1,00,000 से कम नहीं होंगे। बोले 20-30-40,000-50,000 तो हमारे यहाँ से आएंगे, बाकी पूरे एमपी से 1,00,000-2,00,000-5,00,000 भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा इंतजाम करना पड़ेगा। और ऐसा तीर्थ स्थान है, देखने योग्य तीर्थ स्थान है। तो मैं गुणों की चर्चा कर रहा था, यदि आप में योग्यता है, जिस प्रकार की योग्यता है तो उस योग्यता के कारण आपकी आवश्यकता समाज समझेगा। इसलिए अगर समाज में आपको सम्मान की ख्वाहिश है तो आप पहले अपने को योग्य बनाइए, और योग्य व्यक्ति की तलाश, योग्य व्यक्ति का इंतजार सब जगह है। परमहंस रामकृष्ण साधना कर रहे थे, नरेंद्र जब उनके पास में दर्शन के लिए जाते हैं, परमहंस रामकृष्ण उनको देखते ही खुश हो जाते हैं। नरेंद्र ने पूछा,
गुरुदेव आपका दर्शन पाकर हमको खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे देखकर आप इतना क्यों खुश हो? नरेंद्र तुझे पता नहीं है, 40 वर्ष से तेरा इंतजार मैं कर रहा था कि कभी कोई ऐसा मेरा शिष्य योग्य आएगा जो इस धर्म के प्रचार का बीड़ा उठाएगा। वो नरेंद्र तू आया है, अब तेरा नाम विवेकानंद होगा। गुरु भी योग्य शिष्य का इंतजार करता है, माता पिता सुयोग्य पुत्र का इंतजार कर रहे हैं, पुत्री का इंतजार कर रहे हैं। और योग्य बहू का इंतजार भी उसकी ससुराल में हो रहा है। इसलिए योग्य बेटी बनो ताकि माँ बाप खुश हो सके, योग्य बहू बनकर के ससुराल जाओ ताकि ससुराल में खुशियों के फूल खिला सको, योग्य संत बनो ताकि पूरी दुनिया में सुख शांति की खुशबू फैला सको। योग्य संत बनो, अलवा जलवा संत मत बनो। कितने लोग संत बन जाते हैं, ठीक ठाक संत नहीं बनते, गांजा पीते रहते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं, पुड़िया खाते रहते हैं, गाली बकते रहते हैं, नम उल्टा पलटा बात करते रहते हैं। नहीं नहीं, ए क्लास के संत बनो, बी क्लास के नहीं। ना कोई पंथ छोटा है, ना कोई पंथ बड़ा है, याद रखना। ना कोई जाति छोटी है, ना कोई जाति बड़ी है, ना कोई मजहब छोटा है, ना कोई मजहब बड़ा है।